हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून स्टार किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टिंडा की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं टिंडा ली हूँ, 500 ग्राम है ये। इसको अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बाद इसके अंदर का सारा बीज वगैरह निकाल लेंगे। बिल्कुल इसको खाली कर लेना है, होल बना लेना है। और इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स एप्पल गार्ड कहते हैं और वैसे तो हम लोग टिंडा बोलते हैं। आपके शहर में इसको किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी सब्जी होता है, बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल इसको माना जाता है और इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप देखिए, यहाँ पे आप चाकू से इसको खाली कर ले या किसी फोक के हेल्प से आराम से ये खाली हो जाता है। इस तरह से होल बन जाता है बहुत ही ईजली। और अब इसको इस तरह से करके रख लेना है सारे टिंडे को। और यहाँ पर 2 चम्मच ये लहसुन है, 1 चम्मच अदरक है, 1 चम्मच सौंफ है और 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1/2 चम्मच काली मिर्ची है। इन सबको डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। जो आपके किचन में सामान अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 कप ऑयल डाली हूँ। आप कोई सी भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइन हो या सरसों का। मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल ली हूँ और इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप करके डाल देना है। और अब जो ये ग्राइंड किया हुआ मसाला है इसको डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और इस तरीके से इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें ये प्याज का पेस्ट है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है और आप इसमें मिला लेंगे। आप सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से आप मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन सबको मिला करके आप अच्छे से इसको ढक दें 5 से 7 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। मैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद एक बार खोल करके चेक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स 1 चम्मच शिमला मिर्च, सॉरी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार इसको ढक करके अच्छे से कुक होने देंगे। आप मसाले को जितना अच्छा से पकाइएगा आपकी सब्जी की टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बीज वगैरह निकाले थे इनको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैं मसाला भरवा टिंडा बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर, टेक्सचर आप सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो अब इसको गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसको हम नीचे उतार लेंगे गैस से और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़, अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक करके सारे टिंडे के अंदर मसाला को अच्छे से भर लेंगे और इसी कढ़ाई में इसको साइड में रखते जाएंगे एक एक करके। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने सारे टिंडे को भर लिए हैं और अब इसमें यहाँ पर 1 कप पानी डाली हूँ मैं इस वाले कप से। एक ही बार आप पानी डाल दीजिएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पानी को उबाल करके डालें तो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं लेकिन आप उबाल करके डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे उबाल करके ही पानी को डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर उबाल करके पानी को पहले रख लिया था और अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाली हूँ फ्रेंड्स। और अब इसको एक बार गैस के ऊपर रख देंगे हाई फ्लेम पे। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से उबल चुका है, उबाल आ चुका है इसमें। तो
तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अब इसको ढक कर के 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई में ही बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा और बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पक गया है, बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको रोटी, पराठे, नान, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो टिंडा नहीं खाते ना, वो भी खाने लगेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए